नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। आज गणेश जी के बारे में मेरे मन में जो विचार उठे हैं वह आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रथम मैं गणेश जी को वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करके मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूं। प्रत्येक माह में दो चतुर्थी आती है जिसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। भाद्रपद महीने की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक एक पर्व के रूप में गणेशोत्सव मनाया जाता है जो हम सभी लोग जानते हैं। यूं तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, रुष्टाध्यायी में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करके ही रुष्टाध्याय का आरंभ किया जाता है। गणेश जी सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा, इन पंच देवों में सबसे ज्यादा महत्व गणेश जी का है। इसलिए आदमी ही नहीं, इंसान ही नहीं, देवता भी गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में जानते हैं और उनकी पूजा करके ही किसी अपने अगले कर्म की शुरुआत करते हैं। ज्योतिषी होने के नाते मैं कुछ बातें ज्योतिष के आधार पर गणेश जी की पूजा का महत्व क्या है वो मैं बताना चाहता था आपको। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी खोई हुई सामाजिक मान प्रतिष्ठा पाना चाहता है, अपने धन ऐश्वर्य को पाना चाहता है, तो अपने राशि के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई ये चाहता है कि हम जिस स्थान तक पहुंच चुके हैं, जहां तक हमारी तरक्की हो चुकी है, यदि उसी पर हम उससे नीचे ना आए, अगर उससे ज़्यादा हमारी तरक्की ना हो तो उससे नीचे ना आए, तो उसे भी भगवान गणेश जी की अपने राशि के अनुसार पूजा करनी चाहिए, जिससे आदमी के बुद्धि, विवेक, धन, सुख, साम्राज्य, ऐश्वर्य में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। विद्यार्थियों को ज्ञान मिलता है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, वैसे भगवान गणेश जी को बुद्धि का भी देवता कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिनकी राशि या लग्न मेष हो या वृश्चिक हो, उन्हें भगवान गणेश जी को लड्डू के भोग लगाने चाहिए। इससे उनके सुख समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलेगी। वृषभ और तुला राशि वाले व्यक्तियों को सूखे मेवे का भोग भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए। सूखा मेवा मतलब नारियल, छुहारा, मनुका, किशमिश, बादाम, इन चीज़ों का यदि आप भोग लगाते हैं तो पारिवारिक कलह से तो बचेंगे ही, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा एवं धन धान्य में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाएगी। मिथुन और कन्या राशि या लग्न वालों को भगवान गणेश को पान का भोग लगाना चाहिए। पान के भोग लगाने से उनमें अति प्रसन्नता जागृत होती है। यदि आप पान का भोग लगाते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बरसने लगती है, धन धान्य, सुख समृद्धि और व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। धनु और मीन राशि के लोगों को भगवान गणेश जी को फल का भोग लगाना चाहिए। फल के भोग से उनके अंदर अति प्रसन्नता आती है और वह अपने भक्त पर खुश होकर के उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने लगते हैं। मनोकामनाएं आपके हैं, आप भोग लगाएं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करें, चाहे वो बुद्धि से संबंधित हो, विद्या से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, ऐश्वर्य से संबंधित हो, धन धान्य से संबंधित हो, वो मनोकामनाएं आपकी। भगवान गणेश से वरदान मांगना तो आपका काम है ना, आप मांग सकते हैं। मकर या कुंभ राशि या मकर कुंभ लग्न वालों को भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए।
मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मांगी हुई मुराद पूरी करते हैं, उनके इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इच्छाएं आपकी हैं, आप जो भी मांग लें। उसी तरह से सिंह राशि वालों को भगवान गणेश जी को केले का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि हो या सिंह लग्न, आप केले का भोग लगाएं भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए। ज्योतिष के अनुसार आपके भाग्य में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखिए आपकी राह कैसे आसान होती चली जाएगी, रुकावटें दूर होती चली जाएंगी और आप अनुभव कीजिए इस बात से। कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए भी, इन्हें कर्क राशि के लोग या कर्क लग्न के लोग बतासे का या दूध की खीर बनाकर भगवान गणेश को यदि भोग लगाते हैं तो पति पत्नी के बीच का कलह स्त्रियां कर सकती हैं अपने पति की प्रसन्नता के लिए। भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने के साथ ही किसी पुरुष या स्त्री को, यदि वो कर्क लग्न की है या कर्क राशि की है, उसके घर में यदि संतान से कष्ट है, पति से कष्ट है, पत्नी से कष्ट है या अनेक प्रकार की बाधाएं जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है और वो पीड़ित हो रहा परिवार, बतासे और खीर के भोग लगाने से ये तमाम तकलीफें दूर होने लगेंगी और अपार खुशियों से आपका घर भरने लगेगा। आप एक बार अनुभव करिए। ज्योतिषी आधार पर ये जो मैंने कहा है, धर्म शास्त्रों के आधार पर कहा है, अपने अनुभव के आधार पर कहा है और राशियों के बारे में जो उन्होंने बताया है ज्योतिषी आधार पर, किस राशि वाले किस चीज़ का भगवान गणेश को भोग लगाएं, उस उनको कैसे प्रसन्न करके अपने कामों को बनाएं, इस पर हमने आपसे कुछ विशेष चर्चा की है। आप इसे पूरा करें, करके देखें, भगवान गणेश आपकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं आशीर्वाद देता हूँ आप सभी लोगों को, मेरे भक्तों को। आप सदैव प्रसन्न रहें, भगवान गणेश जी की पूजा करें और आपकी मनोकामना भगवान गणेश पूरा करें। नमस्कार।